नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2017 बैच के सामने इस समय जो प्रमुख समस्याएं खड़ी हैं, उनमें से तीन समस्याएं प्रमुख हैं, जिनमें से पहला स्कॉलरशिप का मुद्दा, दूसरा सीटेट 2019 में शामिल होने के लिए सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा 5 मार्च 2019 से पहले घोषित कराना, और साथ ही साथ तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि थर्ड सेमेस्टर की पेपर समय से पूर्ण करा लेना, ताकि डीएलएड 2017 बैच का पूरा 2 वर्ष का प्रशिक्षण अपने नियत समय पर पूर्ण हो सके। दोस्तों, इन्हीं तीनों समस्याओं को लेकर के कुछ ज़रूरी कदम आज डीएलएड 2017 बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा उठाए गए हैं। क्या है पूरा मामला देखेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं, तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो तीनों प्रमुख समस्याएँ मैंने आप लोग को बताई हैं, उसके संदर्भ में आज दिनांक 13 फरवरी 2019 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के मुख्य सचिव को डीएलएड 2017 बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ज्ञापन सौंपा है इन तीनों समस्याओं को प्रमुखता से उजागर करते हुए, और उनसे यह आग्रह किया है कि इसके संदर्भ में जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिए, ताकि इनका सीटेट 2019 भी वैलिड हो और स्कॉलरशिप का मुद्दा, जो कि एनआईसी को डेटा फॉरवर्ड नहीं किया गया है इनके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट ना घोषित हो पाने की वजह से, इसको भी जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं जल्द से जल्द करा दी जाएं, ताकि इनका 2 वर्ष का प्रशिक्षण समय से पूर्ण हो जाए। दोस्तों, इसी के संदर्भ में आप ज्ञापन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेट देख सकते हैं आप, 13 फरवरी 2019 आज ही की है, और यहाँ पर पूरा कंटेंट आप देख पा रहे होंगे। सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, और विषय आप देख सकते हैं डीएलएड 2017 बैच, द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा व स्कॉलरशिप के संदर्भ में। दोस्तों, इन तीनों समस्याओं के बारे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को अवगत कराया गया है, और साथ ही साथ उनसे अनुरोध किया गया है कि इसके संदर्भ में ज़रूरी कदम उठाएं, ताकि जितने भी डीएलएड 2017 बैच के अभ्यर्थी हैं, उनका प्रशिक्षण पूर्ण समय पे, नियत समय पे पूर्ण हो सके, और साथ ही साथ उनका स्कॉलरशिप का मुद्दा, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसको भी समय रहते सुलझा लिया जाए। दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।